नमस्ते जी वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है आज का हमारा विषय है पति रक्षार्थ बलिदान देने वाली रानी जयमती आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर गाजियाबाद से आइए ये विषय क्यों चलते हैं आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों महापुरुषों के जीवन प्रसंगों से जुड़े हुए विषय आप लगातार आपके ले ले लिए लेकर आते हैं इसीलिए वेद प्रचार के समूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें और वैदिक राष्ट्र को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेलाइक की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें जब भी कभी और कहीं भी प्राचीन राजाओं की चर्चा होती है तो उनकी निरंकुशता और क्रूरता की चर्चा भी अवश्य होती है ऐसा ही एक आसाम में एक निरंकुश राजा हुआ करता था जिसे लारा नाम से जाना जाता था वास्तव में यहाँ के मंत्रियों को कमज़ोर राजा ही पसंद होता था क्योंकि कमज़ोर राजा है मंत्रियों की कुचालों में फंस जाता था और लोग मंत्री लोग अपनी मनमर्जी चलाते रहते थे इस कारण कोई भी कभी स्वेच्छाचारी राजा आ भी जाता तो यह कुटिल मंत्री उसे मरवा कर किसी छोटे से बालक को गद्दी पर दे देते लारा को भी इस आधार पर ही बाल्यकाल में सिंहासन का आनंद प्राप्त हुआ था जब लारा कुछ बड़ा हुआ तो उसे मंत्री लोगों के कुचालों का ज्ञान हुआ तो उसे अपने जीवन की चिंता रहने लगी अपने जीवन को बचाने के लिए उसने क्रूरता और निरंकुशता का मार्ग अपना लिया और इस कारण मंत्रियों की कुचालों का निष्फल करने के लिए उसने अपने सब उत्तराधिकारियों के अंग भंग करना आरंभ कर दिया क्योंकि किसी की भी अंग भंग वाले को सत्ता देने की उस समय परंपरा नहीं थी इस मध्य ही उसने कुमारी जयंती के रूप और गुणों की चर्चा को सुना और अपनी रानी बनाने का उसको विचार किया किंतु जयमती उसके क्रूर व्यवहार और दुष्टता को जानती थी इस कारण उसने विवाह नहीं करना चाहती थी यही कारण था कि उसने स्वयंवर में उसे स्वीकार नहीं किया वर्माला एक राजपुत्र गदा पाणिका को अपना पति चुन लिया गदा पाणिका अत्यंत धर्मपरायण सुंदर सुशील राजकुमार था इस प्रकार दोनों स्वयं को अपमानित महसूस करते हुए वह दोनों का शत्रु बन गया उनका उसने अनेक बार गदा पाणी का पर आक्रमण किया किंतु किसी भी प्रकार बचता रहा उसके एक पुत्र ने भी जन्म लिया किंतु लारा से बचने के लिए उसने अपने पत्नी को मना लिया और जंगलों में भाग भाग लिया अब जंगलों में उसकी खोज होने लगी लारा के सैनिकों ने अनेक बार जंगलों में भी आक्रमण किया किंतु वह किसी भी प्रकार सेना की टुकड़ी का सामना करते हुए बचा रहा अनेक बार तो उसने घात लगाकर भी सैनिक टुकड़ियों पर आक्रमण किया और उन्हें हानि पहुंचाई किंतु अकेला कब तक सामना करता क्योंकि ना तो उसके पास भोजन साधन थे ना ही सी रहने को स्थान था वह जंगल में कंदमूल का सहारा लेते हुए कंदराओं में भटकता फिर रहा था अपने शरीर की स्थिरता का अनुभव भी करने लगा था।, था उसने किसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी को पार किया और एक गुफा में जा छिपा लारा के सैनिकों ने गधा पाणिका को बहुत खोजा किंतु वह नहीं मिला लारा को तो वह धुन सवार थी कि उसे मारकर जयमती को पाने की बस फिर क्या था जब लंबे समय तक गदा पाणिका नहीं मिला तो लारा ने जयमती को अपने दरबार में बुलाकर पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं तब जयमती ने कहा कि वह कुछ नहीं बताएगी जयमती के इस उत्तर में दृढ़ता और आत्मविश्वास स्पष्ट दिखाई दे रहा था इस समय उसने जो निर्भीकता दिखाई वह उसके चेहरे पर तेज दिखाई दिया उसे देखकर सभा में उपस्थित सब लोगों को विस्मत में डाल गए सब लोगों ने सोचा कि इस औरत को भय दिखाने में कुछ मिलने वाला नहीं है परिणाम स्वरूप उसे गृह में डाल दिया गया बंदिग्रह में उसकी परेशानियां समाप्त नहीं हुई क्रूर कभी कभी अपनी क्रूरता नहीं छोड़ता है अतः उसने भी अपनी क्रूरता इस अबला नारी पर बिना रोके चलाए रखी कई दिनों तक भोजन न दिया अनेक दिन उसे सूखी रोटी और नमक ही दिया जाता यहाँ तक कि उसके केलो केशों को ऊपर को बांध दिया जाता और अनेक दिनों तक खड़े रखा जाता किंतु जयमती इस प्रकार की पतिव्रता स्त्री थी कि सब कष्ट सहते हुए भी वह अपने पति पर कभी किसी प्रकार की आँच नहीं आने देना चाहती थी इस मध्य ही उसने उसके पति गदा पाणिका को अपनी पत्नी पर हो रहे अत्याचारों का पता चल गया एक रात वहाँ भेष बदलकर गृह पहुंच गया और आकर उसने स्वयं को प्रकट किए बिना जयवती को समझाते हुए प्रयास किया कि तुम पति का पता बताकर यहाँ से छुटकारा क्यों नहीं पा लेती तब जयमती ने कहा कि जानती है कि उसका पति कहाँ है यह भी जानती है कि इस समय कहाँ है किंतु जब तक मेरे शरीर में प्राण है अपने पति की जानकारी किसी को नहीं दूंगी हाँ आप व्यर्थ में मुझे उल्टी सम्मति पर सम्मति मत दो इसके साथ ही उसने कहा कि आप तत्काल यहां से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ इससे स्पष्ट इस होता है कि गुप्त वेश में भी अपने पति को उसने पहचान लिया गदापाणी का समझ गया कि उसे पहचान लिया गया है वह उसे बचाना चाहती है अतः इच्छा ना होते हुए भी वहां से लौट गया इधर जयवती पर राजा लारा के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे लारा ने जयवती को इस प्रकार बंधवा दिया कि दीवार में लटकवा दिया कि उसके पैर पृथ्वी को ना छूने पाए अनेक जल्लाद उसे पीटने लगे निश्चित कर दिए गए उसे पीटने के लिए एक जल्लाद उसे पीटने लगता पीटते हुए थक जाता तो उसे हटा दिया जाता और पीटने के लिए दूसरा आ जाता इस प्रकार उसकी लगातार दिन रात पिटाई होने लगी इस पिटाई के समय भी जयवती ने बड़े साहस से काम लिया उसने अपना मुंह बीच कर बंद कर लिया उसके शरीर पर लगातार पंद्रह दिन तक कोड़े पड़े रहते थे किंतु मुंह बीचे होने के कारण उसने मुँह से सिस्की तक नहीं निकलती उसका पति गदा पाने का एक बार फिर उसे समझाने आया किंतु जयवती ने उसे कहा कि आपने मेरे शरीर की तैनिक बेदया नहीं है जो आप बार बार मेरा अपमान और कष्ट बढ़ाने के लिए मेरे पास आ जाते हो अब यहाँ के लिए इसलिए चले गए ताकि पत्नी का कोई आघात न लगे इस प्रकार जयमती अनेक दिनों तक लगातार लारा का अत्यंत कठोर उत्पीड़न सहन करती रही किंतु इस उत्पीड़न के कारण अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकी और एक दिन वह अपना शरीर राजा लारा की जेल में ही छोड़कर कभी न समाप्त तो होने वाली यात्रा पर चल पड़ी अब तक तो वहां राजा की प्रजा भी अपने राजा लारा के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी अतः उस राज्य के सरदारों की प्रार्थना पर गदा पाणिका को बुलाया गया और उसके नेतृत्व में लारा के विरुद्ध विरोध का झंडा उठा लिया गया इस विरोध के कारण विद्रोहियों के हाथों राजा लारा मारा गया अब इस खाली हुए सिंहासन पर गदा पाणिका को बिठाकर उसका राज तिलक कर दिया गया गदा पाणिका की मृत्यु के पश्चात उसका सुपुत्र रुद्र सिंह उत्तराधिकारी बना रुद्र सिंह मात्र पितृभक्त युवक था जयमती ने उसकी रक्षा के लिए अत्यंत भयंकर कष्टों का सामना करते हुए जान ने की थी इस कारण वह अपनी माता के समान के स्मारक स्वरूप रुद्र सिंह ने जय सागर नाम से एक विशाल तालाब बनवाया इतना नहीं नहीं उसने जयदोल नाम से एक मंदिर भी स्थापित किया आज तक भी देश भर से जय जै सागर जैसे तालाब की जिस ढंग से खुदाई की गई थी वैसे खुदाई वाला कोई अन्य तालाब नहीं है तालाब ऐसा था कि उसके तल इसके जल के अंदर से इस प्रकार दिखाई दे जाता था जिस प्रकार शीशा के अंदर से सब कुछ दिखाई देता है इस प्रकार इतना जल तालाब का स्वच्छ होता था इसीलिए हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए भारत की बेटियों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि भारत में भारतवर्ष के प्राचीन काल में ऐसी ऐसी अद्भुत बेटियां पैदा हुई हैं ऐसी ऐसी अद्भुत स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने अपने लिए अपने मान मर्यादा के लिए अपना सर्वस्व इच्छा कर दिया इसी के साथ इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए प्रेरणादायक लेखों के लिए महापुरुषों और वीरांगनाओं के लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन की घंटी को दबा दें अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें साथ ही साथ जो है अपने कीमती सुझाव कमेंट करें धन्यवाद